जनपद कुशीनगर में जो जाली नोटों का गैंग पकड़ा गया है, जिसके 10+1 सदस्य अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे भ्रामक तथ्यों के साथ भ्रामक वीडियो फैलाकर अभियुक्तों के सपोर्ट में कार्रवाई करने की बात सामने आई है। लेकिन तथ्य इसमें ये है कि ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये जितने भी 11 इसमें शामिल हैं, इन सभी पर क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सभी पूर्व में भी अपराध में लिप्त रहे हैं। और ये भी बात सामने आई है कि इसमें जो व्यक्ति ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनके साथ भी इन अभियुक्तों की फोटो है। इस केस में ये शातिर अभियुक्त औरंगजेब, जिसपे की 9 मुकदमे हैं, गैंग रेप से लेकर अन्य गंभीर धाराओं पे मुकदमे हैं, उनके साथ में इनकी फोटो मिली है। ये सभी एंगल पे जांच कराई जा रही है। ये सभी लोग जांच के घेरे में हैं। अपने बचाव करने के लिए या अभियुक्तों को बचाने के लिए भ्रामक खबरों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद कुशीनगर में इस गैंग पे कार्रवाई करते हुए इसमें जितने भी सम्मिलित लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई। जनपद कुशीनगर में जो जाली नोटों का गैंग पकड़ा गया है, जिसके 10+1 सदस्य अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे भ्रामक तथ्यों के साथ भ्रामक वीडियो फैलाकर अभियुक्तों के सपोर्ट में कार्रवाई करने की बात सामने आई है। लेकिन तथ्य इसमें ये है कि ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये जितने भी 11 इसमें शामिल हैं, इन सभी पर क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सभी पूर्व में भी अपराध में लिप्त रहे हैं। और ये भी बात सामने आई है कि इसमें जो व्यक्ति ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनके साथ भी इन अभियुक्तों की फोटो है। इस केस में ये शातिर अभियुक्त औरंगजेब, जिसपे की 9 मुकदमे हैं, गैंग रेप से लेकर अन्य गंभीर धाराओं पे मुकदमे हैं, उनके साथ में इनकी फोटो मिली है। ये सभी एंगल पे जांच कराई जा रही है। ये सभी लोग जांच के घेरे में हैं। अपने बचाव करने के लिए या अभियुक्तों को बचाने के लिए भ्रामक खबरों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद कुशीनगर में इस गैंग पे कार्रवाई करते हुए इसमें जितने भी सम्मिलित लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई